पीएमसीएच में खुल रही सिस्टम की पोल, बुखार से तप रहे बच्चों को गोद में लेकर भटक रहे परिजन, इलाज तो दूर मरीजों को ट्रॉली तक नहीं मिल पा रही। बिहार में शराब माफियाओं की कमर तोड़ने की तैयारी, पंचायत चुनाव के दौरान उत्पाद विभाग, मग निषेक और जिला पुलिस चलाएगी बड़ी ज्वाइंट ऑपरेशन। दरभंगा का गांव जहां सबके पास अपनी नाव, 9 महीने टापू बना रहता है गौड़ा गांव, यहां साइकिल बाइक से पहले ग्रामीण नाव खरीदते हैं। इंजीनियर के कार से शातिर ने उड़ाए लाखों के सामान, मुजफ्फरपुर में पंचर बनाने रुके थे, महज 10 सेकंड के भीतर शातिर ने कार से लैपटॉप व डीबीएम डिवाइस समेत अन्य सामान उड़ाए। वायरल बुखार ब्रोंकाइटिस के 36 बच्चे भर्ती, एसकेएमसीएच और केजरीवाल से 77 बच्चे हुए डिस्चार्ज, अब धीरे धीरे कम होने लगी मरीजों की संख्या, स्वास्थ्य कर्मी में डेंगू की पुष्टि। मुजफ्फरपुर में एक पंचायत समिति सदस्य नकली शराब का धंधा चलाने के आरोप में गिरफ्तार हो गया है, उसके साथ 4 अन्य कारोबारियों की भी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने इनके पास से नकली शराब बनाने का सामान और 5,28,000 रुपए भी बरामद किए हैं। इनके पास से 4 देसी पिस्टल भी बरामद किए गए हैं। स्ट्रांग रूम में होगी ऐसी व्यवस्था कि ताला खुलते ही चुनाव आयोग समेत सभी पदाधिकारियों को मिल जाएगी जानकारी। स्ट्रांग रूम में इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगाया जा रहा है। इस लॉक की विशेषता यह है कि जैसे इसे खोला जाएगा, इससे संबंधित सभी पदाधिकारियों को स्ट्रांग रूम का ताला खुलने की जानकारी मिल जाएगी। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग को भी पता चल जाएगा कि स्ट्रांग रूम को खोला गया है, जिसमें ताला खोलने की तारीख और समय की भी जानकारी मिल जाएगी। सदर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी में गुरुवार को रात सीसोडी से बोलोरे गाड़ी से 10 बोरी में बंद 336 लीटर नेपाली सूफिया शराब बरामद की। रामविलास पासवान की पहली बरसी, पारस और चिराग होंगे साथ साथ, पर दोनों में चलती रहेगी विरासत की जंग, पारस भी मनाएंगे पुण्यतिथि, चिराग को भी बुलाएंगे। आरा के सदर अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं, बोरा है सहारा, बेटे को अस्पताल में नहीं मिला स्ट्रेचर तो माँ को बोरे पर सुलाकर ले गया इमरजेंसी वार्ड। जमुई में वृद्ध के निर्मम हत्या, एक महीने बाद अपने गांव लौटे तो विरोधियों ने घेर कर बेरहमी से पीटा, कुदाल और टांगी से पैरे काट दी, मौके पर हुई मौत। 20 अक्टूबर के बाद फिजिकल कोर्ट पर निर्णय, पटना हाईकोर्ट कोरोना के स्थिति की समीक्षा करेगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ने फिर से फिजिकल कोर्ट शुरू करने की मांग की। फिर दिल्ली रवाना हुए तेज प्रताप यादव, 20 दिन के अंदर दूसरी बार गए हैं दिल्ली, लालू प्रसाद से भी करेंगे मुलाकात। बुटके के खिलाफ हॉस्टल की छात्राएं, भागलपुर में अल्पसंख्यक गर्ल्स हॉस्टल की छात्रा का हंगामा, कहा अधीक्षक हमेशा बुटके में रहने को कहती हैं, गालियां देती। मुजफ्फरपुर में तेज बारिश और आंधी से बत्ती गुल, शहर के कई जगह बिजली के तार टूटे, दर्जनों मोहल्लों में रात से गुल है बिजली, पानी के लिए तरसे लोग।